सेठ जी, सेठ जी। अरे भागा तू यहाँ? दुकान छोड़ के तू यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मैं अकेला नहीं आया हूँ। एक मिनट। लोग मानेंगे नहीं, अपने को घर पे ही निकलना पड़ेगा। तुम लोग भी निकलो, ये लोग कोई सॉल्व करने दो। टिफिन लो, टिफिन लो, निकलते हैं। जो कुछ करना है चालू जी पांडे जी करेंगे। आप ही करेंगे, आप ही करेंगे, वो दे दीजिए। जोरावर फ्रॉम जोगेश्वरी ईस्ट। वाह बागा वाह, बनना पड़ेगा। तूने टेम्पो वाले को पकड़ लिया? पांडे जी, इसे पकड़ लीजिए और जेल में डाल दीजिए। अरे इसकी तो हड्डी पसली, एक कर दो। देखो आप लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो। जरावर, अब तुम्हारा खेल खत्म। इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ। एक सीनियर सिटीजन का अपहरण करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब इसको गिरफ्तार करो। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये सच बोल रहा है, मेरा बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल भोला भाला है इंस्पेक्टर साहब, ये बेगुनाह है। आप लोग कौन है और ये? हम लोग जोरावर के माता पिता हैं और ये इसकी बीवी लाली। लाली? लाली? देखिए, या तो आप लोग बहुत भोले हैं, या तो आपको अपने बेटे की असली करतूतों के बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, सुबह इसने मुझे और मेरे बापूजी को धमकी दी और दोपहर को तो बापूजी का किडनैपिंग करवा लिया। देखिए भाई साहब, अगर इसने ऐसा कुछ किया होता यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों आता? ताकि इस पे किसी को शक ना हो। सीधे सीधे बता, तूने मेरे बापूजी का किडनैपर क्या रखा है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बहुत ही साधारण आदमी हूँ। इतना छोटा सा झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपने माँ बाबूजी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इनके पिताजी का अपहरण नहीं किया है, बल्कि मैं तो बाबूजी के कहने पे आज सुबह हुए झगड़े की माफी मांगने के लिए घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गया था। इनसे पूछ लीजिए। हाँ तो भागा? भागा नहीं, बाघा। बहुत दिनों बाद मिल रहे ना, सब सबके नाम ही भूल गया मैं। हाँ, क्या ये सच कह रहा है? हाँ पांडे जी, ये टेम्पो वाला अपने परिवार के साथ हमारी दुकान में आया था। नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या दिखाऊं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल? नहीं, हमें कुछ लेना नहीं है। मेरा नाम जोरावर है और मैं टेम्पो चलाता हूँ। आज सुबह आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ, ये दुकान के मालिक जेठालाल जी से मेरा झगड़ा हो गया था। मतलब आप वही टेम्पो वाले हो? ये मेरा बेटा है, जेठालाल जी से मिलके माफी मांगना चाहता है। जेठालाल जी कहाँ? सेठ जी तो इस वक्त दुकान में नहीं है। तो जेठालाल जी जहाँ हो वहाँ पे हमको लेके चलो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। ये बेचारा सेठ जी से मिलकर उनकी माफी मांगने के लिए हमारी दुकान में आया था, लेकिन मुझे पता था सेठ जी यहाँ है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेके आया। हाँ, सुबह मैं गुस्से में आपसे बहुत कुछ कह गया, बहुत ही भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, ये बचपन से ही ऐसा है, इसका अपने गुस्से पर काबू नहीं है। धमकी भी इसने गुस्से में दी थी, इसके मन में कुछ भी नहीं है। ये नादान है इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दीजिए इसे।
हाँ इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दीजिए। घर जाकर मुझे बहुत ही बेचैनी से हो रही थी, बहुत ही बुरा लग रहा था, अपनी गलती का एहसास हुआ मुझे। तो मैंने इसे कहा कि चल माफी मांगने चलते हैं, और हम आपकी दुकान पे गए थे, और मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। और भाई साहब, आपके बाबूजी के अपहरण का हमें बेहद दुख है, आपका हमारे बेटे पर शक करना भी जायज है, लेकिन एक बार आप इसकी आंखों में देखिए, क्या ये आपको ऐसा गुनहगार दिखता है? साहब, माफी मांगने के लिए भी दिल साफ होना चाहिए। आप इन्हें माफ कर दीजिए और जाने दीजिए, ये अब कभी भी आपके सोसाइटी में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो ठीक है भाभी जी, लेकिन तुम आए क्यों थे हमारे सोसाइटी में भाई? दरअसल मुझे बाजू की सोसाइटी में जाना था, गलती से आपकी सोसाइटी में आ गया मैं। एक तो गाड़ी का हॉर्न खराब था, और बारिश की वजह से सारे रास्ते खराब हो गए थे। ऊपर से पार्टी का कॉल बार बार आ रहा था कि जल्दी ऑर्डर पहुंचाओ, जल्दी ऑर्डर पहुंचाओ। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं आपसे झगड़ने की गलती कर बैठा। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और हमने इसे समझाया कि इसने जो धमकी दी उससे सामने वाले बुजुर्ग और उसके दुकानदार बेटे पर क्या गुजरेगी। वो पूरा दिन डरे हुए रहेंगे। देखिए, आपको अभी भी लग रहा है कि अपहरण मैंने किया है, तो आप बेझिझक मुझे हवालात में बंद कर दीजिए। देखिए, क्या लगता है आप लोगों को? मुझे नहीं लगता चाचा जी का अपहरण इसने इन्होंने किया होगा। नहीं, लगता है हमें गलतफहमी हो गई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि चाचा जी का अपहरण इसी ने नहीं करवाया। आप इस पर शक करने का कोई मतलब नहीं है। इससे क्या होगा ना, हमारा ध्यान असली गुनहगार से भटक जाएगा और हम चाचा जी को नहीं ढूंढ पाएंगे। बराबर बराबर बोल रहे बबीता जी आप। मुझे भी लग रहा है कि बापू जी का किडनैपिंग इसने नहीं किया, क्योंकि क्या है, देखिए आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, अपने माँ बाप के सामने तो वो झूठ नहीं बोल सकता। आपने आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ, काश ये गलती तुमने सुबह ही मान ली होती। शुक्रिया भाई साहब। आप सभी का शुक्रिया, और सुबह के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। भाई साहब, हम लोग गोकुल धाम वाले हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। आपने सच्चे दिल से माफी मांगी है ना, हम लोगों ने आपको माफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम जाए? हाँ जाओ जाओ। ये पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला मैं हूँ, मैं तय करूंगा कौन कब जाएगा। पहले तो आप लोग पुलिस में कंप्लेंट करके पुलिस को एंगेज कर देते हो, फिर खुद ही केस सॉल्व कर लेते हो और पुलिस को साइड में कर लेते हो। मजाक बना के रखा है पुलिस वाले का, इस बार ऐसा नहीं चलेगा। पर अभी तो केस सॉल्व किधर हुआ है चालू जी, पांडे जी, बापू जी वापस कहाँ मिले? और अभी तो ये भी नहीं पता है कि बापू जी का किडनैपिंग किसने किया है। हम क्या करें? नहीं नहीं, तुम जाओ, लेकिन हाँ जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे। और क्यों ऐसा लफड़ा करने का, गुस्से में ऐसा नहीं बोलने का? क्या बोला था तुमने कि हमारे पास दो चाबी, तुम्हारे पास एक बाप, ऐसा कोई बोलता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। जाओ। रुको। अरे रुको, क्या रुको, मैंने बोला उसको जाओ, तुम ऊपर से बोल रहे हो रुको। मैंने बोला ना मैं तय करूंगा कौन यहाँ कब आएगा और कौन कब जाएगा। अभी जाओ कि नहीं जाओ? जाओ भाई जाओ, तुम जाओ। नहीं रुको। अरे रुको, अत्ते करते हो जेठालाल। नहीं, उसकी टेम्पो की चाबी मेरे पास है, वापस देनी है उसको, इसके लिए।
हाँ तो सीधा बोलो ना, रुको भाई, तुम्हारे टेम्पो की चाबी है मेरे पास, ये लो। रुको बोल के पूरा ड्रामा बनाते हो यहाँ पर। सॉरी मैं चाबी। शुक्रिया। और किसी को कुछ देना है तो बाद में बोलो कि रुको, जाओ जाओ तुम जाओ। जेठालाल जी, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपके पिताजी जल्द से जल्द मिल जाए। एक बार फिर माफ कर। पांडे जी, अब क्या करेंगे? अरे अभी तो किडनैपर कौन है ये भी नहीं पता। धमकी इसने दी थी पर किडनैपिंग किसी और ने की है। पता नहीं चाचा जी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मत रखिए, हम है ना, और भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो मतलब जाएगा जाएगा, भगवान बिल्कुल जाएंगे ना, ऐसे कैसे, भगवान सबके साथ है। चलू जी, पांडे जी आप अपने टीम को जरा फोन करके पूछो ना कब तक आ रहे हैं वो लोग, सीसीटीवी का वीडियो लेके। वो लोग आ रहे हैं, लेकिन एक डाउट ये भी जाता है कि चाचा जी का अपहरण शायद पैसों के लिए किया गया। तुम्हें पैसों के लिए कोई फोन आया था? नहीं। आएगा कैसे, वो फोन बंद करके भजिया पार्टी कर रहा था ना। भजिया पार्टी मतलब, वो भी फोन बंद करके? वो एक व्यापारी मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन भजिया पार्टी? पांडे जी, मैंने सेठ जी से कहा था, वो क्या है बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भजिया खाने का मजा आता है, इसलिए। हाँ तुम्हारे बाबूजी किडनैप हुए और तुम भजिया पार्टी कर रहे थे? नहीं नहीं, तभी पता नहीं था ना कि बाबूजी किडनैप हो गए, और मेरा फोन बस थोड़े टाइम के लिए स्विच ऑफ था, क्योंकि हम लोग भजिया थोड़ा खाया और तब तक ये लोग आ गए, और उसके बाद तो तुरंत मैंने अपना फोन चालू कर दिया था। लेकिन तब से लेके अब तक मुझे कोई फोन नहीं आया ऐसा पैसे के लिए। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो किडनैपर फोन जरूर करेगा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अरे क्या चाहिए तुमको? पैसे। कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बोलो कितने पैसे चाहिए? 223,500। मेरा तो इतना ही पेमेंट बाकी है बाबा, जल्दी भिजवा दो, देर मत करना। कौन, मक्खी जानी जी? हाँ मक्खी जानी। अरे बाबा तुम घड़ी घड़ी मेरा फोन काट देता है, फोन उठाता ही नहीं है, इतने अनजान नंबर से फोन करना पड़ा यार। अरे मक्खी जानी जी, मैंने आपको साफ साफ बोला था ना 15 दिन के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा भाई। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपको वादा किया हो और आपको पेमेंट ना मिला हो? नहीं। बस तो फिर अभी बार बार फोन करके परेशान मत करो। कौन था ये जेठालाल? वही व्यापारी था जिससे परेशान होकर सेठ जी ने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। शिशुपाल, शहर में जो सीनियर सिटीजन को परेशान करने की और इनके बापूजी की किडनैप होने की घटना, वो कड़ी कहीं जुड़ी हुई तो नहीं? हाँ सर, मला पण असंच वाटतंय। गुड। ओ कडाई जी, आई तो बहुत टेंशन वाली बात छे। हाँ चालू जी, पांडे जी आपने ये सीनियर सिटीजन वाली बात बोल के तो मेरा टेंशन और बढ़ा दिया। अब तो ये केस सुलझने के बजाय उलझ रहा है। रिलैक्स, अगर एक कड़ी मिलेगी तो ये सारी उलझने सुलझ जाएंगी। सर, यस सर, सर मैं गोकुलधाम सोसाइटी के पास के स्टोर से ये सीसीटीवी फुटेज ले। गुड, चलो अब इसे हम चेक करते हैं। हाँ चलो चलो। अरे क्या, चलो चलो चलो, वहां का लंगर लगा है क्या?
जिसकी जरूरत होगी वही आएगा। ओके हाँ चलो। देवा इस सीसीटीवी से चाचा जी को ढूंढने का कोई रास्ता मिल जाए। सर रेडी है सर। गुड ऑन करो और तुम ध्यान से देखना। जी जी नहीं नहीं और आगे और आगे नहीं नहीं ये भी नहीं है। अरे नहीं रुको रुको ये वही लाल वैन है। एक मिनट इसको रिवाइंड करो पॉज करो और जूम करो। अरे इसमें तो गाड़ी का नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। इधर से तो इस वैन का सिर्फ टॉप एंगल दिख रहा है। प्रकाश गो अहेड। दिखे। प्रकाश अरे इस फुटेज में तो गड्डी का साइड एंगल दिख रहा है और साइड एंगल में तो गड्डी का नंबर नहीं दिखेगा। ऐसे ना कि फ्रंट से तो बैक से कोई फुटेज मिला हो ना तो नंबर दिखेगा। एक मिनट थोड़ा जूम करो। अच्छा ये यहाँ पे है। कौन यहाँ पे है? दिखा क्या वो किडनैपर पर दिखा? किडनैपर नहीं गुप्ता। कौन गुप्ता? गुप्ता पकौड़ी वाला। पहले हमारे यहाँ पाउडर गली के बाहर खड़ा रहता था फिर अचानक गायब हो गया। आज पता चला यहाँ खड़ा रहता है। वाह वाह क्या पकौड़िया बनाता था। पांडे जी थैंक यू। यार पकौड़ी ढूंढना। प्रकाश तुम प्ले करो आगे बढ़ो। जी सर। ऐसा क्या दिख गया जो तुम लिख रहे हो? अरे भाई वो क्राइम रिपोर्टर है कुछ तो दिख गया होगा उसको। उसको काम करने दो अपने हिसाब से। करो करो तुम काम करो अपना। अरे मैं सालों से इसका नंबर ढूंढ रहा था भाई देख गया तुमने। अरे यहाँ बापू के नाम मिल रहे तुमको मेरा बीरो का एड्रेस चाहिए क्या हाथ में हो तो? एक मिनट हमारे बीच एक सीनियर सिटीजन नहीं है। चलो जी मतलब वो गायब हो गए हैं हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। ये पकौड़ी वाले को ढूंढ रहे हैं ये मैरिज ब्यूरो की ऑफिस ढूंढ रहे हैं हमें उस सीनियर सिटीजन को ढूंढना है। सॉरी प्रकाश भाई अब चलो प्रकाश जी अब तुम्हें कोई भी कुछ बोले जू में आप पॉज के लिए नहीं करोगे। ठीक है सर मैं बोलूँ तो कर देना। जी सर। रुको ये वही मैन है इसका नंबर प्लेट भी दिख रहा है। जरा जूम करो। अरे कीचड़ लगा हुआ है नंबर प्लेट पे नंबर पढ़ते ही नहीं आ रहा है। मान से गाड़े धुलते ड्राइवरती क्या चंपक चाचा का अपहरण जोरावर ने नहीं किया और भी तो फिर किसने किया है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों किया है? चंपक चाचा और जेठालाल की किसी से दुश्मनी भी नहीं है कि चंपक चाचा का अपहरण किया जाए तो फिर आखिरकार कौन थे वो लोग जो लाल रंग की गाड़ी में सवार होकर आए और चंपक चाचा को उठा के ले गए और किस दिशा में ले गए? कहाँ है चंपक चाचा? किसी चीज का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सारा रहस्य गहराता जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार चंपक चाचा का अपहरण क्यों हुआ और अगर जोरावर ने नहीं किया तो किसने किया? क्या सीसीटीवी फुटेज से कोई सहारा मिलेगा कोई राज खुलेगा? अब इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा ये तो ईश्वर जाने। लेकिन इतना जरूरत है कि आप अपनी उत्सुकता और रोमांच बनाए रखिए हर राज के साथ ठाके ठाके बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।